एक तो क्या कहते हैं होमवर्क जिसने किया है उसको ढंग। अब आज हमारे फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होने वाले हैं, एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइन्स हमने फिनिश कर लिया है, एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइन्स खत्म हो गया है, स्टार्ट कर रहे हैं हम फंक्शनल ग्रुप से। क्लियर, फंक्शनल ग्रुप से। इसके लिए तुम लोग अपनी कॉपी बना लेना जरूर, अपनी कॉपी मेंटेन कर लेना जरूर, जिसमें तुम्हें क्या लिखना है मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार। जैसे पहले आएगा ग्रुप, ध्यान देंगे इसमें पहले आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप नेम, फंक्शनल ग्रुप नेम पहला, और दूसरा आएगा फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका, नेक्स्ट आएगा सफिक्स, ये ऐसे कॉलम बनाना है तुम्हें। सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है एंडिंग, सफिक्स मतलब एंडिंग। फिर आ जाएगा प्रीफिक्स, फिर आ जाएगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आने के बाद आ जाएगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये कॉलम बना लेना, इसमें अराउंड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें अराउंड आएंगे ध्यान रखना 18 फंक्शनल ग्रुप के आसपास आएंगे, तो सारे याद करने हैं तुम्हें। मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूँ जो आज मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया ग्रुप कैसे बनाने, तुम्हें पहला आया एल्कोहल्स, पहला आया एल्कोहल्स, तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है ओ एच और एक वैलेंसी फ्री, वैलेंसी फ्री जरूर दिखाना है, ओ एच और एक वैलेंसी फ्री। सफिक्स मीन्स एंडिंग किससे करेंगे, तो एंडिंग किससे करेंगे ऑल से, जैसे मिथेन आता है तो मिथेनॉल लिखेंगे अगर ओ एच आ जाता तो मिथेनॉल। प्रीफिक्स, अगर ये एज ए फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा, और तब लिखेंगे हम हाइड्रोक्सी, तब हम क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी, तब हम हाइड्रोक्सी लिखेंगे। और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, अभी दिमाग में रखना जिस फंक्शन ग्रुप में सी आता है वो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, सो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। अभी ऐसे याद रखना, मैं बाद में बताऊंगा कि क्या मतलब है इसका, इसका मीनिंग क्या है। तो ये एल्कोहल्स हो गया, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया, जैसे अगर एल्डिहाइड आ गया, एल्डिहाइड नेक्स्ट आ गया एल्डिहाइड, तो सी एच ओ फंक्शन ग्रुप आ जाएगा, सी एच ओ फंक्शन ग्रुप आ जाएगा, सफिक्स आ जाएगा, सफिक्स आ जाएगा इसका अल, ए एल, सफिक्स आएगा अल ए एल, और प्रीफिक्स आ जाएगा इसका, अगर ये एज ए फंक्शन ग्रुप नहीं आ रहा है तो प्रीफिक्स आ जाएगा इसका जैसे एल्डो या फॉर्माइल, और एंड इट इज टर्मिनेटिंग, इसमें सी आ गया है, इट इज टर्मिनेटिंग, यानी इसको हमेशा फर्स्ट पोजीशन मिलेगी, इसको हमेशा फर्स्ट पोजीशन मिलेगी। एल्डिहाइड्स आ गया, ऐसे ही अगला फंक्शन ग्रुप आया कोई भी, जैसे कीटोन आ गया, कीटोन, तो इसका फंक्शन ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ और दो वैलेंसी फ्री। सफिक्स आएगा इसका ऑन, एंडिंग करना है ऑन, ऑन से, और अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूट आ रहा है तो उसको बोलते हैं कीटो या ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो, ये प्रॉपर टेबल बनी हो बिल्कुल दोनों से, इसमें कोई गलती ना हो, कीटो और ऑक्सो। और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में अगर बोले इसको तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें क्योंकि दो वैलेंसी फ्री है। तो ये ऐसे 18 फंक्शन ग्रुप आएंगे जिसमें तुम्हें याद करना है इसका क्या मतलब है क्या नहीं है, वो सब पता लग जाएगा। अभी मैं एक फंक्शन ग्रुप कराऊंगा उससे तुम्हें पता लग जाएगा, तो ये टेबल जरूर मेंटेन कर लेना, ये टेबल जरूर मेंटेन करना है 18 वाली। मैंने एक एग्जांपल दिया कि इस तरह से टेबल बनेगी, ये तुम्हें टिप्स पे होनी चाहिए हमेशा, ये याद नहीं रहता तो दिक्कत आएगी फिर, नेमिंग नहीं कर पाओगे अगर ये याद नहीं है तो पूरी टेबल। तो एक एक करके टेबल में ऐड करते रहना, मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ एल्कोहल से। क्लियर, स्टार्टिंग विद एल्कोहल्स, कहाँ से स्टार्ट करने हैं, एल्कोहल से स्टार्ट कर रहे हैं, चलो इसी पेज में रखते हैं एल्कोहल्स। सर 10th वालों को कहाँ तक का बनाना है ये टेबल? 10th वालों को तो ज्यादा जरूरत नहीं हो, तुम्हें चार तीन चार ही है, तुम याद कर लेना, वैसे तीन चार ही है तुम्हारे, ये मैंने तीन लिख दिए ना, एक एसिड और एक एस्टर, थोड़ा बहुत डिटेल में करना तो एस्टर कर लेना, इससे ज्यादा नहीं करना। तो स्टार्ट कर रहे हैं मैं एल्कोहल से, फर्स्ट ग्रुप इज एल्कोहल्स, फर्स्ट ग्रुप इज एल्कोहल्स, एल्कोहल स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप है ओ एच, फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका ओ एच, सफिक्स है इसका ऑल, ये मैंने ऊपर भी लिख दिया, वैसे मैं सारी डिटेल लिखूंगा, तुम लोग टेबल में जरूर ऐड, इधर तो ऐड करना ही है साथ में टेबल में। सफिक्स है इसका ऑल, सफिक्स मींस इसकी एंडिंग ऑल से होगी, और अगर ये एज ए प्रीफिक्स आ रहा है, प्रीफिक्स मींस एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो इसे बोलेंगे हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी बोलेंगे, बस ये याद रखनी है तुम्हें बातें। एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे पहला नाम बोल रहा हूं मैं एक कार्बन वाला, सबसे पहला नाम मैं बोल रहा हूं एक कार्बन वाला, सी एच थ्री ओ एच, सी एच थ्री ओ एच। अब एक कार्बन है तो मिथेन तो आना ही है, एक कार्बन है तो मिथेन तो आना ही है, इसका नाम होगा मिथेनॉल। ऑल क्यों लगा पता लग गया ना, मिथेन ऑल क्यों लगा, क्योंकि ओ एच आ रहा है, मिथेनॉल, सही ना, मिथेनॉल।
और दूसरा नाम इसका है कॉमन नेम, कॉमन नेम है इसका मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम इज मिथाइल अल्कोहल, क्लियर, कॉमन नेम इज मिथाइल अल्कोहल, ये याद रखना। आईपीएसी नेम में एन ई नाइन जरूर आता है अगर वो एलिफेटिक है, यानी ओपन चेन कार्बन वाले हैं, तो उसमें एन ई नाइन जरूर आएगा। जैसे ये कॉमन नेम है, इसमें कोई नहीं आया एन ई नाइन, मिथाइल अल्कोहल इसका नाम है, मिथाइल अल्कोहल। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, इसको हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं, वुड स्पिरिट, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट भी कहते हैं इसको। और जो आता है इसके अंदर नाम आएगा, इसको हम जैसे इसके इन टर्म्स ऑफ कार्बिनॉल, इसको कार्बिनॉल भी कहते हैं, कार्बिनॉल, मिथेनॉल को कार्बिनॉल, इसको हम ये सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, मैं जो साथ साथ बता रहा हूँ तुम्हें, इसको कार्बिनॉल भी कहते हैं। और जो एल्कोहल्स हैं, एल्कोहल ज्यादातर यूज किस लिए, मेनली इनका यूज कहाँ पे होता है, इंडस्ट्रीज में एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं इसको, इंडस्ट्रीज में एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं इसको। लेकिन बस क्या कहते हैं, लोग इसमें ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी यूज करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए अल्कोहल यूज होता है, उसमें मेनली अल्कोहल होता है इथेनॉल, इथेनॉल होता है, इथेनॉल। और जो सुना हुआ ना डुप्लीकेट वाइन जो बनती है, नकली शराब जो बनती है, उसमें एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होता है, मिथेनॉल प्रेजेंट होता है, मिथेनॉल ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में आ गया अल्कोहल के अंदर, यानी इथेनॉल के अंदर, तो वो जो होता है अल्कोहल होता है, उसे बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। इससे सुना होगा कि वो जैसे नकली शराब पीने से लोग, काफी लोग अंधे हो गए, इस टाइप से ब्लाइंडनेस आ गई, या फिर डेथ हो जाती है कई बार लोगों की, तो ये इसी वजह से, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मिथेनॉल इन इट, एक्सेस मिथेनॉल इन इट अल्कोहल के अंदर। एक्चुअल में ये यूज कहाँ पे होता है, एज ए सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रीज, एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रीज यूज होता है। लेकिन बस लोग अपन जैसे लोग पर्सनल पर्पज के लिए ना यूज करें, इसलिए इसके अंदर हम इसको, इस अल्कोहल को डीनेचर्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इस अल्कोहल को डीनेचर्ड, डीनेचर्ड कैसे करते हैं इस अल्कोहल को, मैं बता रहा हूँ एक बार तुम्हें। एक तो मैंने तुम्हें बता दिया मिथेनॉल डाल करके, ताकि वो थोड़ा पॉइजनस हो जाए, मिथेनॉल डाल के ताकि वो पॉइजनस हो जाए। दूसरा, इसके अंदर हम पाइरीडीन डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, पाइरीडीन, अल्कोहल के अंदर क्या डाल देते हैं, पाइरीडीन, ये होता है पाइरीडीन, C5H5N, कार्बन इसमें पांच है, हाइड्रोजन पांच है और N, C5, ये पाइरीडीन होता है, टू गिव इट फाउल स्मेल, टू गिव इट ऑफेंसिव स्मेल, टू गिव इट फाउल स्मेल, इसलिए पाइरीडीन डालते हैं। और कॉपर सल्फेट डाल देते हैं टू गिव इट कलर, तो इससे जो अल्कोहल होता है वो डीनेचर हो जाता है, टू गिव इट कलर, ब्लू कलर आता है इससे। तो अब जो अल्कोहल मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज डीनेचर्ड अल्कोहल, कांट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस। और क्या डालते हैं हम, मिथेनॉल भी डाल सकते हैं ताकि वो पॉइजनस हो जाए, ताकि लोग अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज ना करें इसको। समझ आ गई बात की नहीं, क्या बोला मैंने, तो मिथेनॉल मैंने तुम्हें बताया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिथेनॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल, कार्बिनॉल बोलते हैं उसको। अब इथेनॉल को अगर इन टर्म, ये इथेनॉल है, दिस इज सेकंड नेम, इज कॉल्ड एज इथेनॉल। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल, ध्यान रखना, अल्कोहल इज मेड, इट इज मेड इनसफिशिएंट, इट इज मेड हार्मफुल फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस बाय, इट इज डीनेचर्ड बाय एडिंग कॉपर सल्फेट टू गिव इट कलर एंड बाय एडिंग दिस पाइरीडीन टू गिव इट फाउल स्मेल, इट इज डीनेचर्ड, अल्कोहल इज डीनेचर्ड, है ना। अदरवाइज इट इज यूज फॉर डिजोल्विंग मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन इंडस्ट्रीज एंड इट इज यूज एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किस तरह यूज करते हैं इसको, एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब इथेनॉल मैंने बोला यहाँ पे, क्लियर, मैंने बोला इथेनॉल, तो इथेनॉल तो है ही, ये कॉमन नेम इसका इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इन टर्म्स ऑफ कार्बिनॉल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिथाइल कार्बिनॉल, मिथाइल बोलते ही एच बन जाता है, मिथाइल कार्बिनॉल, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं पेपर में, मिथाइल कार्बिनॉल, तो ये भी इसका नाम है। तो ये मैंने सिंपल वाले नेम बता दिए हैं, अब नेक्स्ट ट्राई करेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट नेम्स है, जो जैसे मैंने लिया CH3CHOH CH3, इसका नाम कोई भी टेंथ वाला बच्चा बताए, बोलो सर, मैं बताऊं, गर्व, क्या गर्व, यस सर, हाँ गर्व, बहुत, हाँ गर्व, बहुत अच्छे बोल सर,
सर प्रोपेनॉल, थोड़ी सी गलती कर गया, ऑल की देख पोजीशन कौन सी है, अगर यहाँ सी एल होता OH का तो टू क्या बोलता, पोजीशन भी देखना, पोजीशन देख एक बार घर, OH की पोजीशन कौन सी है, टू है ना। Yes, पहली प्रेफरेंस मैंने क्या लिखा था, फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, सेकंड प्रेफरेंस किसको देते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विच एवर इज कमिंग अर्लियर, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट्स को। ये भी सिंपल सा रूल है, मैं भाई ये टेंथ वाले निकलते ही ना फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस ऑर्डर बताऊंगा, फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस ऑर्डर, ये बिल्कुल सिंपल वाला रूल है, भी ये याद रखना है, पहली प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को, पहली प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को। अब देखो फंक्शनल ग्रुप कहां से पास पड़ रहा है, यहां से करेंगे तो भी टू पोजीशन, यहां से करते हैं तो भी टू पोजीशन, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसकी नेमिंग। गर समझ आया, वन सर आ गया, टू थ्री, तो अब क्या नाम आएगा इसका, प्रोपेन, और ऑल कहां पे है, ऑल कहां पे है, टू पोजीशन पे, प्रोपेन टू ऑल, आगे समझ के रही है, प्रोपेन टू ऑल, समझ आ गया कि नहीं, प्रोपेन टू ऑल नाम होगा। अब आगे वॉवल आ रहा है तो पिछला वॉवल जो ई आएगा वो हट जाएगा, इसको हटा देंगे, अगर आगे वॉवल आ रहा है तो पिछला वॉवल हट जाता है। गर्व समझ आ गया कि नहीं, यस सर आ गया, हाँ, प्रोपेन टू ऑल नाम होगा इसका और ई हट जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। अच्छा कोई भी तुम में से अब जो टेंथ वाले बच्चे स्पेशली जो इसका कॉमन नेम बता सकता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम, कॉमन नेम, सर प्रोपाइल अल्कोहल, नाम, नाम बोलेंगे पहले सर, अर्णव, अर्णव, तूने बोला प्रोपाइल अल्कोहल, अगर प्रोपाइल अल्कोहल बोलेगा ना वो ये होगा, देख ध्यान दियो, प्रोपाइल अल्कोहल विल बी दिस CH3CH2CH2OH, समझा कि नहीं है, ये प्रोपाइल अल्कोहल होगा ना, अच्छा। OH की पोजीशन वन, ये होगा ना प्रोपाइल अल्कोहल, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इलेवंथ में से कोई, सर मुकुल, बोल मुकुल, टू डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल, टू डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल, और कोई, और कोई इसके अलावा, मुकुल के अलावा, लावण्य, लावण्य बोलो, लावण्य बोलो, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल पूरा नाम बोलो ना, लावण्य अल्कोहल नहीं आएगा लास्ट में, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यस सर, नहीं समझ, अब ध्यान देंगे। अच्छा अब और कोई, और किसको नाम चेंज करना है इसका, ट्वेल्थ में से कोई, ट्वेल्थ में से कोई आंसर दे इसका, क्या नाम होगा इसका कॉमन नेम, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सर दोनों होंगे, बहुत अच्छा, ये किसने बोला दोनों होंगे, सर हर्षिल, हाँ हर्षिल, दोनों ही नाम होंगे, तो सिंपल सी नेमिंग पूछी है मैंने, ये देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है कि नहीं, वरा ये कौन सा आइसोप्रोपाइल भी है और दूसरा ये सेकेंडरी भी है, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उस कार्बन के साथ एक और ये दो, दो कार्बन लगे हुए हैं कि नहीं, तो ये सेकेंडरी है, ये वाला कार्बन सेकेंडरी भी है और आइसो भी है, इसलिए इसके दोनों नाम होंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। मुकुल तूने सही बोला था, लेकिन सेकेंडरी प्रोपाइल बोला कर उसको, टू डिग्री मत बोलिए, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ओके सर, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दोनों नाम है इसके, क्लियर, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, टेंथ वाला कोई बच्चा थोड़ा सा फास्ट करेंगे, टेंथ वाला कोई बच्चा उसकी नेमिंग बता दे, सर गर्व ट्राई करना है, गर्व तेरे को ट्राई करना है, नो सर, अच्छा सही है, अब हाँ बोल अर्णव बोल,
सर इथेन टू ऑल नहीं इथेन टू ऑल नहीं आएगा और कोई टेंथ में से टेंथ में टेंथ वाले बच्चों में से कोई और चलो कोई भी नहीं अब अच्छा अब इलेवन सालों में से ट्राई करेंगे सर मुकुल मुकुल तुर्क और कोई सम्यक बोल वन वन मिथाइल इथेनॉल देख तू पहले बात तो वन वन बोल रहा है तो डाई क्यों नहीं बोल रहा तू सॉरी सर सर वन वन डाइमिथाइल इथेनॉल चल अब तूने ट्राई कर लिया और कोई सर सिया सिया बोलो बहुत अच्छे सिया टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल परफेक्ट बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है देखो इसकी नेमिंग होगी लॉन्गेस्ट चेन लेंगे पहले ध्यान देना ये इसको तुम कैसे भी बना लो स्ट्रक्चर को मान लो चलो मैं इसी तरह से बनाता हूँ गर्व ध्यान देना है ये नाम आ गया ऐसे बना लो उसको किसी भी तरीके से देखो नेमिंग इसकी तुम इसको दे दो वन टू थ्री टू पे आ रहा है ओएच ओएच को देखना ओएच की पोजीशन पास होनी चाहिए बस जरूरी थोड़ी है वही वन उसी को देंगे ऐसे ले लो तुम वन टू थ्री एक ही बात है इसको तुम ऐसे भी ले सकते हो ध्यान देना वन टू थ्री कैसे भी ले लो तुम इसको नंबरिंग भी कहीं से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि सिमेट्रिकल चेन है अब इसकी नेमिंग करनी है देखो वन टू थ्री लिया मैंने वन टू थ्री पहले का लिया जो वन टू थ्री तो टू पे क्या है टू पे क्या है मिथाइल ये चेन है आपकी तो टू पे क्या है मिथाइल ग्रुप और टू पे ही ऑल है तो टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल अब दिख क्या रहा अलग से मिथाइल दिख रहा है टू पे ऑल ये भी यही सेम नाम आएगा टू पे मिथाइल टू प्रोपेनॉल ये वाली चेन ली अगर ध्यान देंगे अगर ये वाली चेन लेता हूं मैं वन टू थ्री तो अब इसमें भी टू पे क्या दिख रहा है मिथाइल और टू पे ऑल एक ही चीज है तीनों ये तीनों एक ही चीज है मैं इसको ऐसे भी लिख दूं ना तो एक ही बात है स्ट्रक्चर बनाना मान लो इसका टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल है इसका स्ट्रक्चर बनाना है टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल पहले प्रोपेन देखना तीन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक दो तीन तीन वाली है अब टू पे क्या है मिथाइल ग्रुप टू पे मिथाइल ग्रुप और टू पे ऑल टू पे ऑल आया समझ के नहीं है टू पे मिथाइल टू पे ऑल मिथाइल मिथाइल समझ आया कि नहीं है स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए स्ट्रक्चर बनाना भी इसका आना चाहिए किसी भी तरीके से बना लो स्ट्रक्चर तुम इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना ये भी ऐसे दे देंगे लिख के सी एस थ्री होल थ्राइस सी ओ एच एक ही बात है ये देखो इस कार्बन पे तीन बार क्या है मिथाइल ग्रुप एक दो तीन तो मैंने क्या लिखा सी एस थ्री होल थ्राइस सी ओ एच जैसे अगर मैं लिखता हूँ सी एस ध्यान देना इधर मैंने लिखा सी एच थ्री ओ एच तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना एच 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 ओ एच अब एच की जगह क्या आ जाएगा मिथाइल ग्रुप एच की जगह क्या आ गया मिथाइल ये एच हट गए तीनों और एच की जगह क्या आ गया तीन मिथाइल यही तो स्ट्रक्चर है सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री नहीं समझ आ रही बात अब इसका अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है ये आना चाहिए टेंथ लेवल का ही नाम है अच्छा इसका अब इसका कॉमन नेम कौन बताएगा नाइन्थ या टेंथ प्रथम प्रथम रुक जा भी तू और कोई कॉमन नेम कॉमन नेम क्या होगा इसका बोलो मुस्कान सर सर नियो ब्यूटेन अल्कोहल नहीं तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की बिल्कुल भी घर पे बिल्कुल एक शब्द पढ़ाई नहीं की है मुस्कान ब्रेन इतना अच्छा पढ़ते नहीं हो बिल्कुल कौन बोल रहा है ऋतिका चलो बोलो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल परफेक्ट बिल्कुल 100% सही देखो जिस कार्बन पे ध्यान देना जिस कार्बन पे ओएच लगा हुआ है उसके साथ तीन कार्बन अटैच है उसके साथ तीन कार्बन अटैच है एक दो तीन इसलिए क्या आ जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल जिस कार्बन पे OH है यानी डिफरेंट ग्रुप है उसके बाद तीन कार्बन अटैच है तो टर्शरी वर्ड आ ही जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये पता बहुत ज्यादा यूज होगा
कन्वर्जन में, कन्वर्ट इथेनॉल टू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कन्वर्ट इथेनॉल टू आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. अगर तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं आता होगा तुम कर ही नहीं सकते कोई क्वेश्चन, इसलिए तो नेमिंग सीखते हैं. नेमिंग तो मतलब ये प्राइमरी कंसर्न होता है कि नेमिंग जरूर आनी चाहिए, स्पेशली कॉमन नेमिंग, कॉमन नेम्स जरूर आने चाहिए. तो ये बता दिया मैंने, नेक्स्ट नोट करेंगे. और ये तो मैंने सिखा दिया घर पे, मैंने बोला ना जिसे जो 5-5 हज़ार प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको कोई फायदा नहीं होगा, वो भूल जाएगा. 11th वाले बच्चे नाम लिख के भेज रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे नाम लिख के भेज रहे हैं. 12th वाले भी होमवर्क करेंगे, सब जिसको बोला होमवर्क दिखाने को होमवर्क दिखाएंगे तो जाके सीख पाओगे. और जहाँ पे होगी ना 15-20 क्लासेस कभी भी नहीं सीख पाओगे ऑर्गेनिक को, इसीलिए प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है. होमवर्क स्पेशली करना, ऑर्गेनिक बिना लिखे नहीं आती कभी भी. इसका नाम बताएंगे 10th में से कोई, 10th 9th में से कोई. कोई भी इसका नाम बोलेगा. गर्व सर, 2-methyl-propane-1-alcohol. नाम 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 बोलना है, नाम पहले. कौन बोल रहा है? अगर बोल सर, 2-methyl-propane-1-ol. परफेक्ट, बिल्कुल बहुत अच्छे. अगर ये पहला सही हुआ तेरा, अब आगे सही होने चाहिए सारे, है ना. देखो यहाँ पे नेमिंग करेंगे, जब ये 9th वाले बच्चे ने बता दिया तो बाकी सबको भी समझ आना चाहिए. देखो 1, 2, 3. वन इसको क्यों दिया, क्योंकि OH यहाँ से पास पड़ रहा है, OH यहाँ से पास पड़ रहा है. इसलिए तुम देखो ये 9th वाला बच्चा है, ये इसने 9th का सारा सिलेबस खत्म कर लिया, अब 10th का कर रहा है काम. तो तुम लोग सोचो, तुम लोग तो 11th 12th में ओके नहीं कर पा रहे हो ढंग से. 1, 2, 3. 2 पे क्या आ गया, मिथाइल. 2 पे मिथाइल और ए स्ट्रेट चेन है, पूरी स्ट्रेट चेन है ये. तो 2-methyl-propanol, 2-methyl-propanol या 2-methyl-propane-1-ol, एक ही बात है. 2-methyl-propanol. कोई भी 10th वाला बच्चा या इसका जो कॉमन नेम बता दे. सर अर्नव. बोल अर्नव. सर आइसोब्यूटेनॉल. आइसोब्यूटेनॉल देख कॉमन नेम है ना, आइसोब्यूटेनॉल भी चल जाएगा, ऐसा नहीं गलत है बिल्कुल. आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बोल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. देखो आइसो ग्रुप दिख गया यहाँ पे, ध्यान देंगे, ये दिख गया हमें आइसो ग्रुप, दिस इज आइसो. आइसो दिख गया ना, तो आइसो और चार कार्बन है तो ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. बहुत अच्छा अर्नव, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. अब स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बना लेना. 2-methyl-propanol है, 2-methyl-propanol. प्रोपेनॉल मतलब 1, 2, 3. प्रोपेनॉल का मतलब 3 कार्बन. 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल CH3. और ऑल 1 पोजीशन पे होगा, कुछ मेंशन नहीं है तो 1 पे. ये CH3 CH CH2, 2-methyl-propanol. ये स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए, नाम से स्ट्रक्चर बनाना जरूर आना चाहिए. नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे. हम CH2OH CH2OH. फास्ट बोलेंगे अब, जल्दी अब कर लिए काफी प्रैक्टिस. बोलेंगे क्या नाम होगा इसका, कॉमन नेम इसका इथाइलीन ग्लाइकोल है. कॉमन नेम इथाइलीन ग्लाइकोल है इसका. 12th वाले बच्चे आंसर करेंगे, इसका यूज कहाँ पे है, इथाइलीन ग्लाइकोल का यूज कहाँ है. 12th वाले बच्चों में से नाम बोल के बोलना है. सर तमन्ना. आप बोलो तमन्ना. सर एंटी फ्रीजिंग के लिए. हाँ एंटी फ्रीजिंग, एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट, एंटी फ्रीजिंग एज एन एंटी फ्रीज करता है, करते हैं इसको. कार के रेडिएटर में डालते हैं पानी के साथ मिक्स करके, वाटर फ्रीज ना करे. हिल एरिया पे जाते हैं जहाँ पे माइनस में होता है तो वाटर फ्रीज कर जाता है. दिस एक्ट्स एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट. इथाइलीन ग्लाइकोल यूज इंपॉर्टेंट है. चलो इथाइलीन ग्लाइकोल नाम है इसका, मोस्ट कॉमनली यूज एज ग्लाइकोल. IUPAC कौन बताएगा ग्लाइकोल कॉमनली सही यूज क्या है इसका, एक बार बता दो. इसका IUPAC नहीं कौन बताएगा, एज एन एंटी फ्रीज मतलब पानी जल्दी फ्रीज नहीं होने देगा. माल पानी फ्रीज होता है भी सकते, तो ये करा दे तो पानी फ्रीज होगा माइनस भी सकते. तो पानी क्या करिए, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, बाकी सब तारी क्या भविष्य. ध्यान देंगे इधर. सर मैं बताऊं ये लिखा था, एक
सर अर्णव सर अभी भी इथेन वन टू डाइऑल और कॉमन नेम मैंने बता दिया इथाइलिन ग्लाइकोल नाम होगा इथाइलिन ग्लाइकोल. नेक्स्ट करेंगे ये CH2OH सर मैं बताऊं कॉमन नेम नाम बोलेंगे पहले अपना. अरे नाम बोला करो पहले. ग्लिसरॉल नाम है इसका. ग्लिसरॉल ग्लिसरीन सुना होगा ना. ग्लिसरॉल वही है हाईली विस्कस लिक्विड होता है. नाम हाँ बोलो नाम बोलो पहले. वो दक्ष कह रहा है इसे इन लेंगे एडमिट कर लो. दक्ष एक मिनट वो हाँ ग्लिसरॉल क्या हो सर मैं बताऊं. प्रोपेन 1-2-3 ट्रायल सर अर्णव नाम बोल के बोला करो बिना. अर्णव बोल सर. प्रोपाइन 1-2-3 ट्रायल प्रोपेन आएगा. प्रोपेन डैश 1-2-3 ट्रायल प्रोपेन 1-2-3 ट्रायल ग्लिसरॉल नाम है इसका. नेक्स्ट नोट करेंगे अब यहाँ से जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है. यहाँ तक समझ आना चाहिए था. वो तो अभी तक जितना कराया था सब इजी था. ये ट्राई करेंगे अब CH2OH होल फोर सी CH2OH होल फोर सी इसकी नेमिंग क्या होगी. थोड़ा सा फास्ट CH2OH होल फोर सी सर. मुकुल बोल. मुकुल सर 2-2-bis मिथाइल हाइड्रोक्सी 1-3 नहीं 2-2-bis मिथाइल हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1-3 डायोल. बहुत अच्छा ट्राई किया. छोटी सी गलती कर गया. इस सी के ऊपर चार बार CH2OH है. चल मैं बताऊं. नाम बोलेंगे पहले अपना. प्रिया 2-2-bis हाइड्रोक्सी मिथाइल 1-3 प्रोपेन डायोल. ये सो मिथाइल भूल गया था बोलना. बिल्कुल सही है. मिथाइल तूने बोला था पहले बोल गया था मिथाइल. अच्छा. ये ना ये स्ट्रक्चर है इसका. ये स्ट्रक्चर है इसका सही ना. ये स्ट्रक्चर है क्या एक्चुअल में. ये CH4 ही अगर देखोगे ढंग से ना CH4 बस H3 का क्या आना है. H3 का क्या आना है CH2OH. अब इसकी नेमिंग करनी है ध्यान देंगे. अब इसकी नेमिंग करनी है तो नेमिंग के लिए वन कोई भी चेन ले लो सब एक जैसी है. 1-2-3 इसकी नेमिंग अब क्या होगी ध्यान देंगे. 2 पे क्या है 2 1 पे और 3 पे तो ऑल डायरेक्ट है. 1 पे और 3 पे ऑल डायरेक्ट है. जो ये वाला ऑल है और ये वाला ऑल है ये आ गया एज ए प्रीफिक्स क्योंकि ये चेन में कभी आ ही नहीं सकता. ये चेन में कभी नहीं आ सकता तो इसलिए 2 पे अगर मैं एक का नाम लिखूं 2 पे एक का नाम लिखूं तो ध्यान देना 2 पे आएगा 1 पे हाइड्रोक्सी क्योंकि ये एज ए प्रीफिक्स साउंड होगा. मैंने लिखवाया था प्रीफिक्स इसका 2 पे 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल. ऐसे ही 2 पे दोबारा है ये 2 पे दोबारा है ना 2 पे 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल दोबारा है इसलिए इसको लिखेंगे हम
टू टू बेस, टू पे दो बार आ गया ना ये, तो उसके लिए टू टू बेस, टू टू बेस वन हाइड्रोक्सी मिथाइल, टू टू बेस ब्रैकेट में वन हाइड्रोक्सी मिथाइल, या टू टू बेस हाइड्रोक्सी मिथाइल भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोपेन वन थ्री डाइओल, ये तो समझ आ गया सबको, ये वाला सोचना है, मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है उसकी। प्रोपेन वन थ्री डाइओल, प्रोपेन वन थ्री डाइओल, नेक्स्ट नोट करेंगे। किसी को पूछता तो नहीं है, चलो नेक्स्ट नोट करेंगे, ये ट्राई करेंगे हम थोड़ा फास्ट। इसकी नेमिंग, इसकी नेमिंग, ये तीन बहुत ज्यादा यूज होंगे, ये तीनों नाम बहुत ज्यादा यूज होंगे, ध्यान रखना चीज का। नेमिंग बताएंगे इनकी, सर मुकुल पहले की, बोल मुकुल पहले की, इथ वन इन ऑल, इथ वन इन वन ऑल, यहाँ पे करेंगे नेमिंग, ध्यान देंगे, ये इजी है सारे। अब वन टू, इथ पे इथ तो आएगा ही, दो कार्बन है, वन पे ही ऑल है, वन पे डबल बॉन्ड है, इथ वन इन वन ऑल, या इथिन ऑल भी बोलोगे तब भी चलेगा, इथ वन इन, इन का ई नहीं आएगा, वन ऑल, इसको हम इथिनॉल भी लिख देंगे तो भी सही है, ये भी सही है इथिनॉल, क्योंकि वन वन पोजीशन है। नेक्स्ट ट्राई करेंगे, और इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम कौन बताएगा इसका, विनाइल, और कौन, प्रथम प्रथम विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल नाम आ जाएगा इसका, विनाइल अल्कोहल, विनाइल ग्रुप आ गया ना इसके अंदर, ये मैं पहले भी बताया होगा, विनाइल अल्कोहल, ये ज्यादा यूज होगा, विनाइल ग्रुपिंग आ गई इसके अंदर, ये विनाइल ग्रुपिंग है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच वैलेंसी फ्री। अच्छा नेक्स्ट, जो लिख के प्रैक्टिस कर रहा है उसको याद होगा सारा। परफेक्ट, बिल्कुल प्रॉप टू इन वन ऑल। कॉमन नेम कौन सा आएगा सर, रितिका, सर सदाम, नेक्स्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम याद रखना, कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बोलेंगे C6H5CH2OH, कोई भी बच्चा टेंथ तो मैं सर बेंजाइल अल्कोहल, सर बेंजाइल मिथेनॉल, एक बार किसने बोला नाम बोलो पहले, प्रिया बोला है, प्रिया यस सर, फिनाइल मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल बिल्कुल सही है। अब बोल दिया आंसर, एक मिनट को, ये बेंजीन होता है, ये बेंजीन है, जैसे मिथेन का सब्सटेंट होता है मिथाइल, इथेन का सब्सटेंट इथाइल, बेंजीन ये है C6H6, इसका इसका एक हटेगा जब तो बन जाएगा बेंजीन और एक वैलेंसी फ्री, जिसको हम बोलेंगे फिनाइल, ऐसे लिख दो इसको या ऐसे लिख दो, बात एक ही है, CCH5 वैलेंसी फ्री, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल ग्रुप, फिनाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वन पे फिनाइल वन पे ऑल, एक कार्बन है तो वन फिनाइल वन मिथेनॉल लिख दो, वन फिनाइल वन मिथेनॉल, या सिंपली बोले फिनाइल मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल, क्योंकि वन पोजीशन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये ग्रुपिंग होती है ना C6H5CH2 या फिर CH2, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, बेंजीन के ऊपर CH2, या ये भी बेंजीन ही है, बेंजीन के ऊपर CH2, इस ग्रुपिंग को बोलते हैं बेंजाइल, C6H5CH2 को बोलते हैं बेंजाइल, तो इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल भी है। क्या नाम है इसका, बेंजाइल अल्कोहल, कॉमन नेम बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट नोट करेंगे, इसको ट्राई करना आप, CH3 होल ट्वाइस CH होल थ्राइस COH, देखते हैं ये किसका सही होता है। अगर 11th वाले बच्चे में किसी का सही होगा तो उसने नेमिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से की है और ढंग से की है, अगर 11th वाले में किसी बच्चे का सही होता है तो।
पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे प्रॉपरली फिर करना, थोड़ा थोड़ा फास्ट करना है। बना लिए स्ट्रक्चर? यस सर। हां बोल सर। 2,4 डाइमिथाइल 3,1 मिथाइल इथाइल पेंटेन 3 ऑल। तूने पहले से कर रखे हैं क्या डॉली की कॉपी से? मुझे पहले डॉली में करा रखे थे ना, इसलिए मुझे आते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बना लिया। अच्छा, सी के ऊपर ध्यान देना। इस सी के ऊपर तीन बार ये वाली ग्रुपिंग है, तीन बार ये वाली ग्रुपिंग है, यानी सी एच सी एस थ्री होल ट्वाइस, सी एच सी एस थ्री होल ट्वाइस, सी एच सी एस थ्री होल ट्वाइस और ओ एच। ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए पहले तो, पहले तो ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए जरूर। अब उसके बाद अभी खुद ट्राई कर लेना, क्योंकि अभी टाइम अप हो जाएगा, इसलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, इस सी एस थ्री को उठाएंगे यहां से, सी एस थ्री होल ट्वाइस है ना, इसको उठा के सी एस थ्री लगा देंगे, फिर ऐसे ही नीचे लगा देंगे, ये इसकी नेमिंग ऐसे करनी है, ऐसे ही दूसरे को करके तब करना है। क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगी 5-7 मिनट में।